असलम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान का एक ऐसा टॉपिक छेड़ने जा रहे हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो लाजमन होगा, क्योंकि अगर कोई मौलवी मेरी वीडियो ये देख रहा है तो भाई वो तो RTX बांध के मेरे घर के बाहर खड़ा होने लगा कल। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान थी उसमें मैंने बात की, लेकिन उसमें मैंने इंटायर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैंने बात की। तो आप ये सोच लें कि ये प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पार्ट टू आप कर लें, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान का एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशन हमारा सिस्टम बहुत, आप समझ लें, दुनिया का सबसे नाकस तरीन एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान का। वो इसलिए क्योंकि हमने कभी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, कभी भी नहीं दिया, किसी हुकूमत ने नहीं दिया। और आज जो भी आपका सिस्टम है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से खड़ा है, वो हमें पता है। अच्छा, पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो पढ़ ही नहीं रहा, सबसे पहली बात तो ये। और कोरोना के बाद तो ये इस रेशियो में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, और जो पढ़ रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं। पढ़ने वाला शख्स और ना पढ़ने वाला शख्स पाकिस्तान में बराबर है। कुरान की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं तर्जमा बता रहा हूँ, बल्कि तर्जमा भी नहीं बता रहा, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, कमी पेशी हो तो माफ कर दीजिएगा। रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। एक बंदा वो जानता है कि यार कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, एडिट किस तरह करते हैं, पोर्टफोलियो किस तरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह हम वेबसाइट पर हम अपलोड कर सकते हैं। एक जिसको पता ही नहीं, वो दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं, उनकी स्किल्स डिफरेंट है। एक कंप्यूटर मास्टर है, उसको कंप्यूटर की अलीफ बे पे का पता है, अगर कंप्यूटर का कोई चीज होगा तो हम उसे भी बुलाएंगे। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में गलत साबित होगी कि जानने वाला और ना जानने वाला, कुरान तो कहता है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बराबर है। हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है उसका जीरो फायदा है। मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो लैंग्वेज है, चलो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, समझ भी आती है कि यार चलो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब आपको दुनिया से डील करना चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वोकैबुलरी का पता हो, ठीक है, समझ आती है। अब कॉमर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। अच्छा, बिजनेस के बारे में भी कॉमर्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ आती है कि ठीक है कॉमर्स और बिजनेस ऊपर नीचे ही है, आगे पीछे ही है, समझ आती है। यार इस्लामिया तो PSC पर आ रहे हैं, इस्लामियत पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार वही धक्का न्यूज थी, हमने इस्लामियत पढ़नी, और इस्लामियत भी कौन सी हमने को अच्छी पढ़ ली है। पंखा चल रहा है इससे मुझे सर्दी लग रही है, मैंने कुछ पहना भी नहीं इसलिए मैं थोड़ा काम पड़ा हूँ। वही जकात, वही नमाज, रोजा, जकात, हज, ये तालीम है आपकी। और कॉमर्स में सोचो, कॉमर्स में इस्लामियत, देखो क्या अजीब है कि एक लेक्चर कॉमर्स का, उसमें इस्लामियत के टीचर आके वो क्या बताते हैं, सूद हराम है, सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम के आके ईंधन है, और जो लेगा वो जहन्नुम ही। और अगले लेक्चर में टीचर बता रहे जी इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपया, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, कितना तजाद है। फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि तालीम के ऊपर भी हम रखना डालते हैं जी, दुनियावी तालीम का क्या फायदा है जी। मौलवी लोग कहते हैं ये, यार ये तो थोड़े से अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं जी तालीम का क्या फायदा, अभी इसने क्या देना, असल जिंदगी तो आखिरत की है, इसमें क्या है ये तो। ठीक है, मैं मानता हूँ असली जिंदगी आखिरत ही की जिंदगी है, लेकिन भाई ये जिंदगी का भी तो कुछ करना है। आज क्यों इस्लाम पस्त है, पस्ती में है, क्यों हम तरक्की नहीं कर रहे, उसकी रीजन ही यही है कि हमारे ऊपर कुछ इस तरह के टुच्चे टुच्चे मौलवियों पर बैठ चुके हैं। मैं सारे मौलवियों की बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे मौलवी जैसे डॉक्टर तारिक जमील, बहुत अच्छे मौलवी है, पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं, बाकी हर मौलवी से मसला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मौलवी हूँ तो मेरा नाम तो क्या होगा, कारी मौलाना हजरत मुफ्ती मोहम्मद शमोइल चिश्ती देवबंदी के, कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को फोकस करूंगा जो देवबंद है, और मैं बैठ के मिंबर पे बैठ के सुन्नियों को गाली निकालूंगा। मैं अगर शिया हूँ मैं सुन्नियों को गाली निकालूंगा, मैं सुन्नी हूँ मैं शियों को गालियां निकालूंगा, मैं देवबंदी हूँ मैं अहले हदीस को गालियां निकाल रहे होते, और मिंबर पे बैठ के गालियां निकाल रहे होते, और मस्जिद में बैठ के गालियां निकाल रहे होते। तभी कुरान यही नहीं है, कुरान इसका बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। और यही मौलवी है जो कहते हैं कि ये हराम है ये दुनियावी तालीम, तुम लोग पीछे हो, इसी वजह से तुम लोग पीछे हो। आज आप देखें कंप्यूटर में पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं, जीरो, मतलब जीरो नंबर भी हो ना, जीरो नंबर उसमें शायद पाकिस्तान का नंबर हो, उसमें पाकिस्तान नाम हो जीरो में, कंप्यूटर में पाकिस्तान पीछे है। अभी ताज़ा खबर आई है कि गूगल प्ले स्टोर पाकिस्तान से मतलब चला गया, वो कोई एक्सेस नहीं है, VPN लगा के भी एक्सेस नहीं मिल रही आपके साथ। ये यूट्यूब बैन हो गया था, टिकटॉक बैन कर देते हैं, ये पबजी बैन कर देते हो, भाई क्या करें, यही आजकल की दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है जिहाद का, वो घोड़ा और तलवार लेके जी अल्लाह अकबर लेके चल रहे हो, भाई वो गुजर गया वक्त। आजकल का जिहाद है कंप्यूटर पे, हैकिंग, ऑनलाइन हैक, ये जिहाद है। बनाओ फेसबुक, और मजे की बात फेसबुक से बात ज्यादा ही, ये जो मौलवी लोग बड़ा चीखते रहते हैं ना, चीखते रहते हैं बड़ा, आप देखें ये तो कहते हैं यहूदी यहूदी यहूदी, ये साजिश है, जहन्नुमी, ये वो, हम इसरा तस्लीम नहीं करेंगे, पीपी पापा करते हैं, यही वो लोग हैं जिनके अकाउंट है फेसबुक पर, उसी को बैठ के गाली निकाल रहे होते हैं। ये जो एक बहुत पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम पे ये वाला जो एक जो ठप्पा है ना मौलवियों का, इसने काम बड़ा खराब किया है। ज़ियाउल्लाह दौर, जो ज़ियाउल्लाह साहब का जब दौर था, जब सोवियत यूनियन ने 79 में इंटरवेंशन कर दी थी अफगानिस्तान में, वहां से इनके पास, इन मौलवियों के पास पैसा आना शुरू हुआ,
अमेरिका ने कहा जी जहाज है, चलो भाई पैसा हम तुम्हें देते हैं, जाओ जहाज लड़ के आओ, हमारे लिए तुम जंग लड़ो। वो जी सरकार ठीक है, क्या अमेरिका कौन सा मुसलमानों का मुल्क है यार, हमने इतने हदबंदियां लगाई हुई है तालीम के ऊपर, इतनी हदबंदियां लगाई हुई है, समझ ही नहीं आती। ऊपर से एजुकेशन सिस्टम का एक और फ्लॉ क्या है, काउंसलिंग ही नहीं है। और भाई करियर काउंसलिंग सेंटर्स ही नहीं है पाकिस्तान में, सुभान अल्लाह, करियर काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए यार। ये तो जैसे रोटी खाना, हम कहते हैं रोटी खाना जरूरी है, वो हलाल हो या हराम हो, हराम की कमाई हो हलाल की कमाई हो, रोटी खाना फर्ज है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि करियर काउंसलिंग नहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो इसीलिए क्योंकि एक बच्चा है नाइन्थ में है, अब नाइन्थ क्लास का बच्चा है, अब उसको उसने सोचना है कि यार मैंने आर्ट्स में जाना है कि साइंस में जाना है। चलो जी हमारे यहाँ तो क्या होता है, प्रेशर लेके जी साइंस रख लेते जी, वो माँ बाप जी मेरा बच्चा तो साइंस पढ़ा डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, उसको घंटा बायोलॉजी की समझ आ रही हो, बस शो ऑफ करना होता है हमने। तो हमारे पेरेंट्स को भी, हम पेरेंट्स को हमारे जो पेरेंट्स ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए तालीम दिलाते कि यार ये अच्छा बंदा बनेगा, मुल्क के लिए खिदमत करेगा, ना 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 ना, हम तालीम इसलिए दिलाते कि हम शोखे हो सके। मेरा बच्चा इंजीनियर है, तुम्हारा बच्चा क्या है भाई, तुम्हारे बच्चे ने तो नेस्ट में पेपर दिए थे क्या, वह फेल हो गए, मेरे बच्चे ने तो नेस्ट में पहली दफा क्लियर कर लिया था। ये बातें होती है हमारे पेरेंट्स के बीच, और वो जब सहते हैं वो फिर हमें आगे पर डांटते हैं। तो तालीम हासिल करने का एक मकसद होता है, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, करियर काउंसलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे दिमाग अभी भी वो कबले मसीह के ऊपर चढ़े हुए हैं जी। यही चार पांच चीजें हैं, अगर इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर हैं, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं हुंडई और सैमसंग जैसी कंपनीज पाकिस्तान में, हजार कंपनीज है, मैं इसराइल की कंपनी का नाम भी लूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट फतवे आएंगे, दाढ़ी बात अगर कोई मौलवी देखेगा तो वो फतवा ठोकेगा, फतवा ठोकना काम है हमारा। और आप लोग और मौलवी, आप लोग कोई मौलवी हजरात सुन रहे हैं, बड़ी अदब से मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे एक यहूदी प्लेटफॉर्म पे सुन, और मैं भी आपसे एक यहूदी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह की कंपनीज IBM वगैरह वगैरह, अगर इतने इंजीनियर्स हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान की GDP ट्रिलियंस में, क्यों नहीं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बिलियंस में, और बिलियन छोड़ो मिलियंस में क्यों नहीं है, अगर इतने इंजीनियर्स बड़े पड़े हैं हमारे पास, अगर इतने वकला हैं, क्यों नहीं हमारा जो लॉ सिस्टम इतना थका हुआ लॉ सिस्टम क्यों है हमारा, अगर इतने BBA बच्चे करे तो कहाँ है बिजनेस, मुझे तो कहीं बिजनेस नहीं दिख रहा। देखिए कुरान पाक की तालीम लाजमन होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्या कुरान पाक को तर्जुमा तफसील से पढ़ाया जाए, क्या मसला है हमारे एजुकेशनल सिस्टम और कोर्स के ऊपर। उर्दू में शहनशाह गजल मीर तकी मीर सुना रहे हैं जी, खुदा का खौफ करो, मीर तकी मीर को मरे भी 200 साल हो चुके हैं, उर्दू का खत लिखा रहा है, और भाई खत कौन लिखता है आज के दौर में जी, मजमून लिखवा रहे हैं। और मजे की बात, पाकिस्तानियों के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, नंबर ही हमारे उर्दू में करते हैं जी, 75 में कितने आए जी, 40, 100 में से कितने आए 60, नंबर ही नहीं आते। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, ये भी बड़ी टफ बात है, लड़कियों की तालीम। देखें पाकिस्तान में कोई लड़की, मैं आज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, और मैं दावे से लिख के दे रहा हूँ, मैं ये LGBTQ की बात कर नहीं रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी गर्ल, एक आम पाकिस्तानी लड़की जो हमारे माशरे में बेचारी, उसके तो मुझे तो कभी तरस आता है इन लड़कियों के ऊपर यार, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इनका कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। अरे यार यहाँ पे लड़कों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं, लड़कियों को तो फिर दूर की बात है, वो तुम लड़के हो भाई, तुम क्यों रो रहे हो भाई, क्यों नहीं, इंसान है रो नहीं सकता बेचारा। औरत की तालीम पर मैं बात करने लगा हूँ, तालीम निस्वत जिसको हम कहते हैं, अब को मौलवी देख रहे तो ठका के जो है ना वो फतवे लगाने लगे मेरे ऊपर। एक हदीस हम इस्लामियत में पढ़ते हैं, तालाबुन इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान पर, के इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। और उसमें हम ये वाक्या भी लिखते थे कि गज़वाए बदर के मौके पे जो कैदी कुफार जो कैदी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार कैदी जो थे वो जो पढ़े लिखे थे, आपने उनसे कहा कि भाई तुम 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा लिखा दो, 10 मुसलमान बच्चे, आपने कहीं ये नहीं कहा कि 10 मुसलमान लड़के या 10 मुसलमान लड़कियां, हुजूर ने 10 मुसलमान बच्चे कहा, यानी कि लड़का लड़की दोनों की तालीम। और एक और मजे की बात है, तो मैं मखलूत तालीम के खिलाफ हूँ, मखलूत तालीम होते को एजुकेशन, को एजुकेशन हराम है, ना करो, औरत को तालीम दो, कोशिश करो कि औरतों के लिए औरतों फीमेल टीचर्स का हायर करो, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि औरतें ज्यादा पढ़ती नहीं है, मेल PhD और MPhil तक जाते हैं, ये भी बहुत सैड है, चले आप मेल ही कर ले, लेकिन अलग अलग करें, बिल्डिंग अलग अलग कर ले, सेक्टर्स अलग अलग कर ले। वुड यू बिलीव, आपकी आबादी का 53% हिस्सा हमारी आबादी फीमेल्स पे बिलोंग करती है। मैं इन मौलवियों से एक सवाल पूछता हूँ, एक घर है उसकी 100 रुपया तनख्वाह है, उसको खबर मिलती है कि भाई तुम्हारी 53% की जो तुम्हारी 53% है ना वो सैलरी में काटो तुम्हें 47 रुपया मिलेगा, 53 डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी यू गॉट 47 रुपीज, क्या होगा उस घर का, वो घर कोलैप्स कर जाएगा, एक लमा नहीं लगेगा वो घर कोलैप्स कर जाएगा आपका। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की आबादी का 52-53% फीमेल पे बिलोंग करता है, और वो काम ही नहीं करते, इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। यही 53, चले ये 53 छोड़ दे, इन 53 का भी आधा भी अगर फीमेल काम करना शुरू हो जाए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल जाएगा।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के लड़कियां नंगी फिरे, मैंने अब तक इसके बारे में बात ही नहीं की। अब आप लोग कहेंगे यार शमोल भाई आपने ये बात तो कर दी, अब आप इसका कोई हल भी दे। हल मैं आपको भी देता हूँ, हल ये है लड़कियों को तालीम दो जो वो चाहती है। भाड़ में क्या डॉक्टर इंजीनियर, लड़की जो चाहती है, हमें बस चाहिए पढ़ी लिखी लड़की। एमए तो होता नहीं, एमफिल पास लड़की पाकिस्तान को चाहिए। अब वो एमफिल इस्लामियत में करे, आयर में करे, कॉमर्स में करे, बैंकिंग में करे, इंजीनियरिंग में करे, कोई डॉक्टरी करे, जुआलॉजी में, व्हाटसोएवर, एमफिल होनी चाहिए। कुछ शौक है, मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैं क्योंकि आज का बड़ा इन है ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं बात करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है, आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कराएं। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, अब आप उसे कहे भाई आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फाइवर है जो भी है उस पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपना काम करें। घर बैठ के आपको काम हो रहा है, औरत कहीं बाहर नहीं जाती। ऑनलाइन में आप घर के अंदर बैठे हुए, ऑनलाइन में कुछ बहुत कम होता है जो वीडियो वाला काम होता है, ऑनलाइन में ज्यादातर आप ऑफलाइन ही होते हैं, मतलब आप दुनिया के सामने नहीं आते। अब मैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ ऑनलाइन पे, तो भी मुझे कॉल आएगी कि भाई ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर दो, मैं उसको काम करके उसको सेंड कर दूंगा, पैसे मुझे मेरे डेबिट कह रहा हूँ, हाँ डेबिट कार्ड के जरिए मुझे पैसे आ जाएंगे। ऐसी लड़कियाँ लड़कियों को भाई ठीक है तुम भाई ना जाओ, माहौल बहुत गंदा है, और माहौल जो गंदा है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तुम अगर लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हो, घर बैठ के काम करो, औरतों के हाथ में फाइनेंशियल आना चाहिए। ये कहते हैं ना जो पाकिस्तान में जो डाइवोर्स रेशियो का बहुत कम है, इसी वजह से कम है कि औरतों के हाथ में फाइनेंशियल ही नहीं है, उनको पता है कि यार इस बंदे से मेरा खाना पीना लगा हुआ है, मैं इसको छोड़ दूंगी तो मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगी। वेस्ट में इसीलिए ज्यादा क्योंकि वहाँ पे औरतें पढ़ी लिखी है, उनके पास पैसा है, इसलिए उनको अपने हक का पता है। इन मौलवियों ने इस्लाम तबाह किया हुआ है, और इनकी क्योंकि फैन फॉलोइंग है, लोग पढ़ते भी नहीं है। फिर हमें ना क्योंकि बताया हम इन्हीं मौलवियों ने हमें गलत इंटरप्रेट किया हुआ है जन्नत तुम्हारी, तो फिर हम काम ही नहीं करते, ना नमाज पढ़ते, ना कुरान पढ़ते, ना सदका, ना खैरा, कुछ नहीं। रमजान में आगे जी पांच वक्त की नमाजें, रमजान को हमने बस ऐसा एक एडिंग हमने मंथ बनाया हुआ कि भाई इससे तो नहीं किया, मैंने फटाफट कमा लो, अपने आप को साफ कर लो, बाकी 11 महीने नंगा नाच, रमजान के महीने में मेरी टोपी दाढ़ी और पूरा अल्लाह जी सुभान अल्लाह वक्त। ये हमारी तालीम है, ये हमारा सिस्टम एजुकेशनल कि इतना कमजोर है कि हम औरतों को तालीम तक नहीं दिला सकते। ये अगर औरतें घर बैठ के काम करें असन तरक्की कर जाएगा। और जो माहौल गंदा की जो मैंने बात की वो इसीलिए, देखो मैं मानता हूँ माहौल बहुत गंदा है, लेकिन गंदा क्यों है, लड़कों की वजह से गंदा है। तो यहाँ पे माँ बाप को आना चाहिए, माँ बाप बताएं अपने बच्चों को कि बेटा देखो हर लड़की तुम्हारी बहन जैसी है। और एक तो मुझे ये चीज भी समझ नहीं आती कि इस्लाम कहता है कि हर औरत को हर लड़की को उस तरह ट्रीट करो जैसे तुम अपनी बहन को ट्रीट करते हो, और हमारे यहाँ चूंकि अकल नहीं है, हम अकल से काम नहीं करते, हम समझते सारी औरतें हमारी बहनें हैं। और भाई इसका मतलब है कि औरत को इज्जत दो, दैट्स इट, वो हम देते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा माशरा गंदा है, जिसकी वजह से हम औरतों को तालीम नहीं दिलाते। ये वजह जिसकी वजह से हम औरतों को तालीम देते, औरतों को तालीम नहीं देते। हमारा 53% जो पाकिस्तान का जो 53% है, मोर देन हाफ वो अनपढ़ है, वो इलिटरेट है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो जॉब पे नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती, घर बैठी हुई है, रोटियां पकाती है, रोटी पकाने के पैसे नहीं मिलते, घर बैठी और पसंद तरक्की नहीं कर रहा, उन पर जुल्म होता है। तो औरतों को भी पढ़ाओ, गिव देम एजुकेशन विद इस्लामिक एटमोसफियर। आपको क्या लड़कों की तालीम अलग, लड़कियों की तालीम अलग, लड़कियां अलग, लड़कियां पर्दा करें, लेकिन हमें ये सिस्टम चेंज करना चाहिए, स्पेशली हमें अपना कोर्स चेंज करना चाहिए, हमें अपना एजुकेशनल कोर्स चेंज करना चाहिए। एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एथिक्स, उसमें भी हमारा कोई ध्यान नहीं है, औरतों की तालीम उसमें भी कोई ध्यान नहीं है, दीन की तालीम का भी नहीं पता, दुनियावी तालीम का नहीं पता। भाई हमें पता क्या है, और ये आप अपने आपको नंबर वन इस्लामिक स्टेट कहते हैं, भाई हम हैं तो इस्लाम है, भाई ये गलत इंटरप्रेट करा है आपके मौलवियों ने। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो और आखिर में दिल अगर किसी के जारी हुई तो मैं माता चाहता हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन यार मेरा दिल में दुख था, गुस्सा था कि यार हम तालीम में पीछे हैं, औरतों को तालीम नहीं दिलाते हम, और अपने मर्दों को टीच करो कि भाई औरतों पर गंदी नजर ना रखो। हम हमेशा कहते हैं कि जी औरत ही सब कुछ करे, भाई वाई नॉट मर्द, क्यों औरत जो है वो बेचारी मर्द से दुबक के रहती है, मर्द क्यों नहीं दुबक के रहता औरत से, मर्द ही क्यों अटैक करता औरत पर। तो ये हमें अपने एथिक्स और एजुकेशन दोनों को चेंज करना चाहिए कि मर्दों को भी कहें कि भाई वो औरत है, उसको औरत की तरह ट्रीट करो, जानवर ना बना करो। सो ये जो चीज़ें हैं, अल्लाह करे कि मेरी कौम को समझ आ जाए, मैं तो चाहता हूँ यार मेरी कौम समझ जाए, एक कौम बन जाए हमको, बस कम हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, नहीं दुख होता कैसे पाकिस्तानी है, नहीं दुख होता आपका मुल्क डिफॉल्ट पे खड़ा है, एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, इकॉनमी नाम की, एजुकेशन होगी तो इकॉनमी होगी, एजुकेशन होगी तो आईआर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन होगी तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी होगी, सब कुछ एजुकेशन के ऊपर बेस करते हैं, और हमने उसी चीज़ को ही छोड़ा, इसी वजह से हम दुनिया में जिंदगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Pull up on you like agency, deta asrat manfi, tujhme dar hai I can sense it, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses, my future or to past tenses.